السلام عليكم dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to calculate retirement date of employee in Microsoft Excel. Microsoft Excel में किसी भी employee मुलाजिम का 60 years के बाद 60 साल पर retirement का date मालूम करने का तरीका. इस sheet में हम हर एक employee के लिए date of birth की बुनियाद पर date of retirement मालूम करेंगे. यहाँ पर for example date of birth enter करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 1990 एंटर कर दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेट ऑफ बर्थ है इस एम्प्लॉय का और यहाँ पर हम इसका डेट ऑफ रिटायरमेंट मालूम करेंगे. यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे इक्वल ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट. अब यहाँ पर स्टार्ट डेट में ये वाला डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दें. इसके बाद कामा, यहाँ पर मंथ्स, तो मंथ्स के लिए हम लिखेंगे 12 और इसको मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, एस्टेरिक 60, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद 12 मंथ्स मल्टीप्लाई विद 60 इयर्स, यानी 60 साल पर रिटायरमेंट के लिए ये वाला फार्मूला लिखे. यानी इस एम्प्लॉय का 60 साल रिटायरमेंट की जो डेट है वो यहाँ पर आ जाएगी. तो यहाँ पर हमने 12 यानी 12 महीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है. इसके बाद ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस करें. अब ये एक नंबर फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट. यहाँ से इसका जो फॉर्मेट है उसको डेट में कन्वर्ट करें. यहाँ पर शॉर्ट डेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रिटायरमेंट डेट है 60 ईयर्स के बाद ये 1990 है, तो यहाँ पर 2050 यानी 60 ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं. इस फार्मूला को अब हम नीचे ड्रैग करते हैं ताकि तमाम एम्प्लॉय पर अप्लाई हो जाए. अब यहाँ पर इस एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं. फॉर एग्जांपल 12/10/1985 एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर इसका जो रिटायरमेंट डेट है वो 2045 है. यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ के बाद इसका जो 60 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर फार्मूला के अंदर आप देख सकते हैं 60 ईयर्स, यानी इसका जो रिटायरमेंट डेट सर्विस है वो 60 ईयर्स पर है, 60 साल है. 7/18/2002 इसका रिटायरमेंट इस डेट पर. अब हम यहाँ पर इसका रिमेनिंग सर्विस मालूम करेंगे, इसका रिमेनिंग कितने ईयर्स बाकी है. तो इसके लिए फार्मूला इक्वल ईयर फ्रैक ब्रैकेट स्टार्ट, ईयर का फ्रैक्शन डिफरेंस मालूम करेंगे. यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स देंगे, स्टार्ट डेट इन डेट. स्टार्ट डेट यानी आज से, करंट डेट, करंट डेट के लिए हम टुडे का फार्मूला लिखेंगे, टुडे सिंगल कामा. और यहाँ पर इसके बाद इन डेट ये वाला हो गया, ब्रैकेट क्लोज एंटर. अब इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं कंट्रोल डी के साथ. यहाँ पर इसका जो रिटायरमेंट रिमेनिंग ईयर है वो तकरीबन 28. यहाँ पर जो फर्स्ट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट डेट है वो 2050 है और इसका जो रिमेनिंग ईयर है वो मोर देन 28 ईयर्स, 28 साल से ज़्यादा है. इसका जो बाकी सर्विस है 24 साल से ज़्यादा है. तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज. दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे.